एनसीपी के नेता छगन भुजबल भगवान विघ्नहर्ता के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने सहपरिवार बप्पा से अजय रहने का आशीर्वाद लिया। हालांकि इस अवसर पर काफी शुभचिंतक छगन भुजबल के साथ थे, लेकिन हम आपको बता दें कि जहां शुभचिंतक होंगे वह आलोचक भी अवश्य पहुंचेंगे। फिलहाल बापा के दर्शन को आए छगन भुजबल से मीडिया कर्मियों ने बात की। उन्होंने ये पूछा कि दिल्ली में बंद रहे महाराष्ट्र सदन पर हेराफेरी का आरोप आप पर लगाया गया है, जिसे छगन भुजबल ने एक सिरे से नकार दिया। देखिए, इंक्वायरी कोई भी करे, कर रहे हैं एंटी करप्शन तो कीजिएगा, जो गलत इल्जाम जो लगाए गए हैं वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सदन में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि हर महाराष्ट्रियन को अभिमान लगे ऐसी एक वास्तु दिल्ली में जो है महाराष्ट्र सदन बन गई है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि कुछ लोगों ने इस पर जो है किचड़ उछालना शुरू कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, ये विधान भवन में विधानसभा में जो है मैंने इसका खुलासा किया था, इसके बावजूद कुछ लोगों को जो है मन में जो शंकाएँ हैं, तब वो शंकाएँ दूर करने का एक ही रास्ता है कि खुली जो इंक्वायरी हो रही है वो इंक्वायरी हो जाए। तो एंटी करप्शन कर रही है और मैं उसका स्वागत करता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि एक नया पैसा का भी घोटाला उसमें नहीं है और ये सारी सच्चाई जो लोगों के सामने आ जाएगी। वही मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि अगर बात साबित होने की कर रहे थे तब क्या होगा। छगन भुजबल का जवाब था, वो राजनीति से संन्यास लेंगे। जी हाँ, अगर महाराष्ट्र सदन के मामले में अगर एक नया पैसा का भी घोटाला हुआ, ये अगर सिद्ध हुआ, तो मंत्री पद से नहीं, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। फिलहाल मामला एंटी करप्शन के पास है, ऐसे में देखना होगा विघ्नहर्ता एनसीपी के नेता छगन भुजबल को विघ्न बाधा से छुटकारा दिलाते हैं या नहीं। करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।